सोनम जी आपका जन्म कहाँ हुआ जन्म मेरा लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ जो कि लेह शहर से सत्तर किलोमीटर दूर है और जहाँ पे सिर्फ तीन या चार चार घर थे अच्छा बहुत ही हाँ और आपका बचपन कैसा था उसके बारे में हमें बताएंगे आ, विचित्र था अनयूजल था मेरे ख्याल से जैसा मैं आजकल के बचपनों को देखता हूँ तो ज़रा अलग था क्योंकि पहली बात तो मैंने कहा चार पांच घर थे उस गांव में तो जाहिर है विद्यालय नहीं थे अब लोग इसे कठिनाई मानेंगे कि बिना विद्यालय का गांव कितने बेचारे बच्चे मैं तो इसे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ वैसे भी जीवन में मैंने एक बात सीखी कि जो जो आपकी दुविधाएं हैं वो आपको उतना ही बनाती हैं जितनी आपकी सुविधाएं बनाती हैं अगर आपको उनसे फ़ायदा लेना आए तो हुँ. तो ये बहुत सौभाग्य की बात हुई कि मेरे गांव में कोई विद्यालय नहीं था हुँ. और जहां मेरे साथी और गांव के जहां पे विद्यालय थे वो उर्दू और अंग्रेज़ी और डरावने शिक्षकों से जूझ रहे थे मैं खेल रहा था पेड़ों पर तो पर्वतों पर कहीं सिंधु नदी में डुबकी लगा रहा था मैं कोई साढ़े आठ साल तक विद्यालय नहीं गया अच्छा। स्कूल ही नहीं गया अच्छा। और ये सबसे अच्छी शिक्षण हुई मेरी तो फिर आपके और स्कूल की मुलाकात हुई कि नहीं हुई <laughs> बदकिस्मती से हुई <laughs> 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 बहुत ताजुब के तरीके से हुई तो साढ़े आठ साल तक मैं स्कूल नहीं गया मगर मेरी माँ मुझे घर पे पढ़ाने लगी बहुत सौभाग्य इस बात की है कि मुझे डरावने स्कूलों जो जिस उम्र में बच्चे के की मस्तिष्क की संरचना होती है उस समय आप डर से भर दें बच्चे के दिमाग को तो वो प्रगति नहीं कर पाएगा तो मैं तो खेलता रहा और सुबह शाम मेरी माँ मुझे अपनी भाषा में सिखा पाई शायद मैं लद्दाख में बहुत ही कम लोगों में हूँ जिन्हें अपनी भाषा में सीखने का अवसर मिला क्योंकि हम एक अल्पसंख्यक हैं लद्दाख में तो लद्दाखी का कोई अस्तित्व नहीं था स्कूलों में विद्यालयों में और उस तरह से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते फिर उसके बाद मेरे एक चाचा जी थे वो मुझे ले गए कहा कि अब इसे पढ़ाना चाहिए और ये भी बहुत रंगीन कहानी है वो मेरे चाचा जी मुस्लिम थे और फ़कीर से थे थोड़े तो वो मुझे अपने साथ ले गए कभी इस गांव कभी उस गांव और वो मुझे पढ़ाते कुछ अलग ही तरीके से थे कभी वो दुकानों के बोर्ड से मुझे पढ़ाते थे उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी कभी मैं मुझे वो रेडियो सुना के उससे पढ़ाते थे और अजीब सा वो था परवरिश वो एक तरफ कुरान शरीफ़ पढ़ते थे सुबह और मुझे साथ में रख के बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं पाठ हैं वो जपने देते थे तो अच्छा। इस तरह का सा बचपन रहा और फिर उन्होंने मुझे दूर दूर के सीमा के दूर दूर के खरदुंगला के उस पार के छोटे छोटे गाँव में फिर तीन महीना यहाँ स्कूल भेजा तीन महीना वहाँ स्कूल भेजा और शायद मेरी मस्तिष्क की विकास अच्छी थी तो तीन महीनों में मुझे एक स्कूल ने पहली से दूसरी कक्षा में डाल दिया दूसरे में डाल दिया तो तीसरी कक्षा में डाल दिया छः महीने में मैं तीसरी कक्षा में होके वापस आ गया <laughs> <laughs> नौ साल की उम्र में तीसरी कक्षा जो कि परफेक्ट है और लेकिन वो दौर तो आपने पास किया आपने दसवीं भी पास कर दी फिर कॉलेज में गए इंजीनियर बनने का सपना देखा था इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने का मेरा ऐसा कोई आम लोगों की तरह सपना नहीं था Um, मैं काफ़ी कंफ्यूज भी था क्या करना चाहिए मगर बारहवीं कक्षा में साइंस पढ़ते पढ़ते साइंस में मेरी बहुत रुचि थी कॉनकेव मिरर्स पर पड़ी मेरी नज़र ग्यारहवीं okay. बारहवीं में लेंसेज और कॉन्केव मिरर्स पर और मैं उसी में खो गया कि इसका तो ये प्रयोग किया जा सकता है इसका तो वो किया जा सकता है एग्ज़ाम पे शायद कम ध्यान गया उसके ऊपर और ध्यान गया मेरा और मैं पूछने लगा बड़ों से कि मुझे तो इसके बारे में ये किरणों के बारे में कुछ करना है कहाँ मैं क्या पढ़ सकता हूँ क्या लाइन ठीक रहेगी तो मेरे एक अंकल ने कहा कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये मिलेगी okay. तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चुना क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता करनी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए श्रीनगर में ही जी और इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर दी आपने लेकिन ये अर्थ आर्किटेक्चर जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ये सब्जेक्ट आपको कैसे मिला या आप उस सब्जेक्ट को कैसे मिले जब इंजीनियरिंग का पहला साल चल रहा था तो उसके बाद हमें जो शाखाएं हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वो चुनने का वक्त आया तो मैं तो को मालूम है कि मैकेनिकल के लिए ही आया बल्कि उस मिरर्स के लिए आया था मेरे पिताजी बोलने लगे नहीं आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी होगी, अच्छा क्योंकि मैकेनिकल में लद्दाख में कोई स्कोप नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में आ, स्कोप है सब कुछ है पैसा है वगैरह वगैरह मैंने कहा मैं तो ये सोच भी नहीं सकता मैं तो आया ही इसलिए हूँ बहस हुई होते होते बात बड़ी हो गई और इस बात पे पहुंचे कि अगर नहीं करोगे तो मेरे से कोई उम्मीद नहीं करना सपोर्ट की तो मैंने कहा धन्यवाद करके घर छोड़ के चला गया घर हाँ। छोड़ के तो चला गया बाहर आया तो सोचने लगा अब करूँ क्या तीन साल के इंजीनियरिंग कैसे खत्म करूँगा और क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं करूंगा यही चाहे जो हो तो फिर मैं सोचने लगा मुझे तो खुद कमाना होगा अपने इंजीनियरिंग के लिए तो कमाने के लिए तो कोई हुनर कोई स्किल चाहिए मेरे पास तो कुछ नहीं है मगर मैं साइंस और मैथ्स पढ़ा सकता हूँ तो मैं लद्दाख वापस गया इंजीनियरिंग के उन दिनों में सर्दियों में जब हमारा इंडस्ट्रियल टूर हो रहा था तो मैं किसी तरह उसे छोड़ के लद्दाख में एक कोचिंग सेंटर करने शुरू गया मुझे मैंने देखा था कि लद्दाख में बहुत शोषण हो रहा था बच्चों का शिक्षकों के ट्यूशन के कारण से तो हर जगह शिक्षक क्लास में पढ़ाने के बजाय ट्यूशन 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 और बहुत बड़ी फीस लेकर तो मैंने 19 साल की उम्र में एक ऑन्ट्रप्रनरशिप शुरू की जिसमें एक पता नहीं कैसे एक बड़े भवन को मैंने किराए पे लिया जेब में लंच खाने के लिए पैसा नहीं था <laughs> <laughs> खाना खाना मगर ले लिया और फिर एक सेक्रेटरी को हायर किया एक टाइपिंग और साइक्लोस्टाइल मशीन अरेंज किया और एक बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट किया कोचिंग सेंटर और फिर अलग तरीके से पढ़ाने लगा जिसमें क्योंकि मासस में बहुत तादाद में पढ़ाना था और बहुत कम फ़ीस लेना था तो मैंने पाँच गुना कम फीस लेने का विचार किया औरों से और बहुत लोग बच्चे आए और उसमें मैंने ऐसे तरीके लगाए कि जिससे ये ज़्यादा होना कमी नहीं बल्कि खूबी बन जाए तो उसमें मैं जो होनहार बच्चे थे उनका स्पेशल क्लास लेता था कि वो टीचर बने जो वीकर बच्चे हैं और जो वीकर हैं उनको होनहारों से रेमिडियल मिलता था और जो होनहार हैं वो सुपर होनहार बन जाते थे क्योंकि अब मास्टरी हो गई सिखाने पे आप सीखते हैं सबसे अच्छा तो इस तरह से एक तरफ तो वो बहुत अच्छा करने लगे दूसरी तरफ दो महीनों में मेरे चार साल का इंजीनियरिंग का पैसा पूरा हो गया तब्दीली सबसे बड़ी दो आई एक तो मुझे ये लगा कि ये पैसा जो है वो जब चाहो कर सकते हैं ये बड़ी बात नहीं तो वो ख़त्म हो गया मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बहुत जल्द ही ये पैसे बीमारी ख़त्म हो गई भूत खत्म दूसरी बात मैं दो चार हुआ ऐसे बच्चों से जो इतने होनहार थे जिनका दिमाग इतना अच्छा था मगर सिस्टम के कारण वो फ़ेल हो जाते थे आपको बताऊं उस वक्त मैट्रिक में टेंथ क्लास में 95 परसेंट बच्चे फ़ेल हो जाते थे 95 परसेंट फाइव परसेंट पास तो ऐसे अच्छे होनहार बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं तो मेरा ध्यान ये सिस्टम सुधारना चाहिए इस पर पड़ा ओके okay. तो उसके बाद मैं लद्दाख जाके जैसे ही इंजीनियरिंग किसी तरह ख़त्म की उसके बाद मेरा दिमाग सिस्टम सुधारने में गया और इंजीनियरिंग तो ख़त्म करना था इसलिए ख़त्म किया और उसके बाद मैं शिक्षा सुधार में लग गया इंजीनियरिंग को मैंने हालांकि मेरा पहला प्यार था उसे थोड़ा अलग रखा क्योंकि कॉल जो बुलावा है वो ज़्यादा चीख पुकार शिक्षा की थी ट्रेनिंग कैसे दे वो कर रहे थे टेक्स्ट बुक्स बदल रहे थे गांव के लोगों को अपने स्कूलों को अपनाने का कि ये सरकारी है बोल के ना छोड़ दें ये मेरा विद्यालय है अब अपनापन कैसे जगाएं तो करते करते एक क्षण आया जहाँ पे किताबें ठीक हैं शिक्षक ठीक है अब भवन का बहुत मुसीबत हो रहा था कि ऐसे भवन थे जो माइनस बीस के लद्दाख के सर्दियों में अंदर भी माइनस दस बीस जम रहा है पानी हाथ जम रहे हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो दसवीं का एग्ज़ाम दें तो इस वक्त मैंने इंजीनियरिंग को बुलाना शुरू किया जो आपनी पढ़ाई थी कि किस तरह से मैं ये समस्याएं सुलझाऊँ विद्यालयों का और लोगों का भी किस तरह से हम अपने जो नैसर्ग नस, में प्रकृति में सुविधाएं हैं उनसे अपने दुविधाओं को ख़त्म कर सकें इसके तो लिए वो तो आर्किटेक्चर जी 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 इसके लिए पहले मैंने अपने लोगों से जो लद्दाख के गाँव के लोगों से मिट्टी के भवन कैसे बनाएं और वो तो परंपरा थी उसको कैसे सुधारें और सीखें और फिर साइंस का प्रयोग करते हुए सूर्य के गर्मी को कैसे उसमें जोड़ें इस पर काम करने लगा और ताज्जुब की बात है कि ये जो मिट्टी है जो कि इतना इतनी सुंदर मटेरियल है घर बनाने की इसको कोई बढ़ावा नहीं देता बल्कि हमारे देश की आधी आबादी मिट्टी के घरों में रहती है और दुनिया की एक तिहाई मगर एक भी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा मैंने नहीं देखा है जहाँ पे इस कला को सिखाया जाता हो सिर्फ़ एक जगह है दुनिया में विडम्बना ये है कि वो फ्रांस में है और रहते लोग भारत में आदि आबादी मिट्टी के भवनों में तो एक यूनिवर्सिटी है ग्रिनोबल में जो कि मास्टर्स पोस्ट मास्टर्स और डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक मिट्टी के घरों के आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज करते हैं तो मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए हाँ लेकिन मुझे कहिए दो बातें एक तो फ्रांस जाने के लिए और वहां पढ़ने के लिए आपको फ्रेंच भी सीखना पड़ा जी ये कोर्स फ्रांस में थी और फ़्रांस के लोग अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोलते हैं और सिर्फ फ्रेंच में था उस उस कोर्स के दौरान मैंने शायद एक दो आ, शब्द अंग्रेज़ी के सुने होंगे मगर मैंने तो सीखना था तो मैं एक महीना पहले गया और फ्रेंच सीखने लगा और आर्किटेक्चर पढ़ते, पढ़ते पढ़ते फ्रेंच भी सीख के मास्टर्स आ, पोस्ट मास्टर्स और ये शिक्षा के लिए जो फंड्स चाहिए थे पैसा चाहिए था वो मैंने कहा ना आपको मैंने जो पैसे कमाने थे वो दो महीने में चार साल की कमा ली और फिर दो साल मैंने एक एडवाइजरी रोल लिया नेपाल में जिससे मैंने दस साल का कमा लिया उसी में मैं ये पढ़ाई भी कर पढ़ाई भी कर लिया आपने <laughs> <laughs> क्या बात अच्छा ये सिकमोल क्या है से यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लडाख ये एक आ, संस्था से ज़्यादा है मैं कहूँगा एक उत्तर है एक समस्या का जो लद्दाख जिससे जूझती है जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहे थे हम और साथियों के साथ जो कि लाइक माइंडेड थे पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है पचानवे प्रतिशत फेल हो रहे हैं और हम क्यों तक नहीं कर रहे हैं ये तो सिस्टम फेल हो रहा है ये बच्चे फेल नहीं हो रहा है किसी भी सिस्टम में अगर पचानवे प्रतिशत प्रोडक्ट्स फ़ेल हो जाएं तो सिस्टम पे सवाल उठानी चाहिए तो हम बातें करते करते प्रश्न करने लगे तो जब मैंने ये सोचा कि इंजीनियर तो बहुत हैं इस सिस्टम को बदलने वाला नहीं दिख रहा है हमें ये करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हजारों इंजीनियर्स बंधे पड़े हैं खुल जाएंगे अगर ये सिस्टम बदल जाए तो उस समस्या के एक तरह से रिस्पॉन्स था एक उत्तर था कि हमने एक संस्था सा शुरू किया उसका नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख आज इस संस्था का एक कैंपस है जी 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 एक स्कूल है जी तो आप देखेंगे ये जो है पूरी तरह सूर्य ऊर्जा पे चलती है ये कैंपस और ये दक्षिण दिशा की तरफ को मुख किए हुए है इसके खिड़कियाँ और दक्षिण वो दिशा है जहाँ पर सूर्य झाड़ों में चलती है आपने अगर ध्यान दिया हो तो सूर्य दक्षिण से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ दक्षिणायन कहते हैं जी 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 और गर्मियों में फिर वो सिर के ऊपर से उत्तरायण उत्तरायण होता है तो आ, ये कैंपस बनी है मिट्टी से जो आपके पैरों के नीचे है जो कि हर किसी गरीब अमीर को उपलब्ध है और इसे गर्मी दी देती है सूर्य जो कि फिर सबके लिए उपलब्ध है चमकता सबके लिए है चाहे निर्धन हो धनी हो तो ये हमारा कैंपस है ए, इस पे ये जो भवन बने हैं इन पे दक्षिण की तरफ को आपको या शीशे दिखेंगे या ग्रीन हाउसेस दिखेंगे प्लास्टिक के जो कि सर्दियों में उतर आती हैं और गर्मियों में ये रोल अप हो जाती हैं ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्लास्टिक का ग्रीन हाउस है ये ऊपर हो जाती हैं जिससे कि जो ऊर्जा है इसके अंदर ग्रीन हाउस में जो ऊर्जा हवा को गर्म करती है वो फिर गर्म हवा ऊपर उठकर भवन के अंदर खिड़की से जाए और अंदर का जो ठंडी हवा है वो ग्रीन हाउस की तरफ आए एक चक्र पवन चक्र कन्वेक्शन करंट चलती है जिससे कि अंदर जो मिट्टी की बड़ी मोटी दीवारें हैं जो कि हम बना सकते हैं सिर्फ तब जब मिट्टी से बनाएं वरना कोई अमीर नहीं होगा जो दो फुट की सीमेंट की दीवारें बनाए तो ये मिट्टी में ही संभव है तो ये जो मिट्टी की दीवारें हैं उस गर्मी को चूस लेती हैं समा लेती हैं अपने आप में दिन भर में और फिर रात को जब बाहर का तापमान माइनस दस माइनस बीस जाता है तो ये गर्म दीवारें कमरे को अपनी गर्मी देनी शुरू करती हैं हाँ। तो ये क्लास रूम हॉल्स एम्बियंस जो अंदर का है वो है और ये आपने स्कूल का पूछा ये मैं कहना चाहता था जो क्लासेस हैं उनमें सर्दियों में भी शाम को भी प्लस चौदह के लगभग तापमान रहता है जबकि माइनस बीस माइनस पच्चीस तक बाहर जा सकता है तो एक तो ये प्रकृति का फ़ायदा लेते धूप की धूप का फ़ायदा लेते हुए फिर मैं कह रहा था जैसे हर कठिनाई के साथ एक अवसर भी जुड़ा होता है लद्दाख बहुत ठंडी जगह है मगर लद्दाख सबसे आ, सनी जगह भी है यहाँ पर तीन में से तीन दिन साफ आसमान होगा धूप कड़ाके की होगी माइनस तीस हो भी तो धूप बहुत अच्छी होती है तो हम बहुत बार रोते हैं माइनस तीस और सर के ऊपर चमकते धूप को भूल जाते हैं इस कैंपस का दूसरा मकसद था ऐसा एक भिन्न तरीके का विद्यालय जिसमें जो फेल हो जाते हैं सिस्टम में उनको एडमिशन मिले तो यहाँ का ये बहुत आ, अलग स्कूल है जिसमें एडमिशन सब चाहते हैं मगर वही पाते हैं जो क्वालिफिकेशन जिनका फेलियर इन टेंथ क्लास हो <laughs> मगर हम फेलियर्स को लेके ये तो फेलियर हैं इनको तो आ, लकड़ी का काम सिखाओ सिर्फ लोहे का काम सिखाओ इस तरह से नहीं देखते हैं हम हम समझते हैं कि ये फेल हुए तो ये अपने कारण से नहीं ये तो सिस्टम के कारण से फेल व्यवस्था हुए के व्यवस्था के कारण से. से और इनका दिमाग औरों से बहुत बार तो बहुत आगे होता है इसलिए वो चल नहीं पाते हैं इसलिए फेल भी हो जाते हैं तो ये बहुत सोचने की बात है कि फेल क्या है और पास क्या है hmm. तो हम इन फेल सो कॉल्ड फेलियर्स को न सिर्फ सामान्य बल्कि नेता लीडरशिप रोल में देखना चाहते हैं तो हम फ्रॉम फेलियर टू लीडरशिप के समझ से एक फाउंडेशन uh, ईयर चलाते हैं एक साल का ये एक देश की तरह चलता है छोटे से देश की जगह ये है भी बहुत अलग थलग रेगिस्तान में तो एक छोटा सा देश समझ लीजिए जहाँ पे सरकारें बनती हैं दो महीने के लिए स्टूडेंट्स इलेक्ट करते हैं इसका चुनाव होता है और दो महीने की सरकार होती है उस दो महीने के शुरू में वो अपने उद्देश्य गोल सेटिंग करते हैं प्लान्स बनाते हैं बजट बनाते हैं और दो महीने में वो उसे कार्यान्वयन करते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा असेंबली सेशन होता है जिसमें उन्हें प्रस्तुति करनी पड़ती है कि मैंने क्या किया क्या सीखा क्या नया किया है क्या करने की ज़रूरत है अगले सरकार को तो इससे उनकी लाइफ स्किल्स जो प्लानिंग गोल सेटिंग एग्जीक्यूशन इन कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी, ये सब वो करते करते सीखते हैं और इसी के साथ कैंपस चलता है और फिर वो इन दो महीनों में सरकार के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं कुछ डेयरी संभालते हैं कुछ गार्डनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग सोलर एनर्जी विंटर ग्रीन हाउसेस किचन टेक्नोलॉजी वगैरह तो वो खुद अपने जो जो खुराक है फूड उसका एक बड़ा हिस्सा खुद पैदा करते हैं उसी तरह हर चीज़ जैसे बर्फ़ के बीच में हरी सब्जी आपको मिलती है तो वो सब बच्चे संभालते हैं गाय रखते हैं काव शेड्स में तो इस तरह से वो अपना संभालते हैं और अंत में वो फिर ये प्रस्तुति करते हैं जैसा आप देख रहे हैं असेंबली के सामने और उस समय हम एक विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं शहर से ताकि ये जो सेरेमनी है उसको एक स्तर मिले जिसके लिए वो सब ये सिस्टम को अच्छी तरह चलाएं तो इसे इंस्टीट्यूशनलाइज जिसे कहेंगे करने की कोशिश करते हैं तो आज तक के ये पूरा आपका जो प्रवास है शिक्षा सुधार के लिए आप काम कर रहे हैं उससे आगे जाकर पूरे लड़ाख की जो कौम है लड़ाख का जो सब प्रदेश है उनके लिए आप काम कर रहे हैं ये पूरी जर्नी में सबसे सीरियस चैलेंज आपको कौन सा मिला कि जब ये शिक्षा का काम आ, हमने शिक्षा को घर घर का मुद्दा बनाए ये सिर्फ सरकारी विद्यालयों का सरकार का ना रह जाए जब तक लोग इसे अपनाएँगे नहीं तब तक सुधरेगा नहीं हुं? जब तक हर कोई अपने विद्यालय को अपना मंदिर न समझे गाँव में भी सरकारी विद्यालयों को भी और शिक्षा को एक बहुत बड़ा Uh, क्या कहेंगे प्रायोरिटी प्राथमिकता प्राथमिकता न दें तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा और जब तक गांव के विद्यालय जहां पर हमारी 80 प्रतिशत शायद बच्चे जाते हैं वो नहीं सुधरेगा तब तक भारत नहीं सुधरेगा ये शहर के दो चार प्राइवेट स्कूलों से एक ट्रेन उतनी आगे जा सकती है जितने की इंजन और डब्बे साथ मिलकर जाएं इंजन दो मील आगे डब्बे पीछे रह जाएं तो वो किसी औरों के मुकाबला नहीं कर पाएगी तो इसलिए हमने एक आंदोलन छेड़ा कि लोगों का मुद्दा बनाए गांव-गांव में हर एक शिक्षा 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 उनके ज़ुबान पे शिक्षा ही हो और ये बहुत सफल हुआ और इन्हें इसमें हमें सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया नेताओं ने अधिकारियों ने मगर जब ये कुछ ज़्यादा सफल होने लगा तो सफलता अपने आप में एक चुनौती बन जाती है तो बहुत सारे जो क्या कहेंगे हम राजनीतिक हैं उनको ये डर सताने लगा मेरे ख्याल से कि अब ये तो हर घर में पहुंच गए ये तो कभी भी हमें ही हटाना दें <laughs> <laughs> तो, तो ये इनसिक्योरिटी और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें ये तो सरकार का सारा काम ये कर रहे हैं क्रेडिट इनको जा रहा है ऐसे ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिसके कारण से ये ने कुछ नेता और कुछ अधिकारी हमारे खिलाफ़ हो गए और उन्होंने बात यहाँ तक पहुँची कि ऐसे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि मैं एक चाइनीज़ एंटी नेशनल हूँ जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए आया हूँ इसलिए कि वो शायद कुछ ऐसे कानून का प्रयोग कर सकें और दो साल के लिए बिना ट्रायल के मुझे जेल में भेज सकें तो कुछ पाँच साल पहले ऐसे परिस्थितियाँ आएँ और उस वक्त मतलब आज या कल में मुझे गिरफ़्तार करने लोग आएंगे ऐसा हालत था मगर फिर ये कोई वो नहीं थी मैंने उसका भी पूरा फ़ायदा लिया और इंतज़ार करने लगा बल्कि लेटर लिख के बुलाया कि आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए नहीं क्या हो रहा है तो शायद ये देखकर वो सोचने लगे कि गिरफ्तारी तो इनको फायदा करने वाली है <laughs> 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 तो ये एक चैलेंजिंग चुनौती पूर्ण था <laughs> ये तो एक एक कठिनाई थी एक सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट स्कूल के जर्नी में हाँ न, एक समस्या थी लद्दाख में कि सरकारी स्कूलों में सर्दियों के छुट्टी के बाद एक मार्च को विद्यालय खुलते हैं और सरकारी स्कूलों में उन दिनों अभी बदल गया है उन दिनों शिक्षक एक मार्च को आते नहीं थे वो दो को भी नहीं पाँच को भी नहीं पंद्रह को भी नहीं पंद्रह अप्रैल हो जाता था और बहुत सारे गांव में शिक्षक आए नहीं स्कूल पे ताला है और गांव के लोगों को भी शायद उतना फ़िक्र नहीं ये आम बात थी लद्दाख के गाँव में कि स्कूल खुलने हैं एक मार्च को और अप्रैल आ गया स्कूल नहीं खुले हैं। तो जो अधिकारी थे वो कभी डराते थे कि आपको जाना होगा स्कूल या कभी कोई परवाह नहीं करते थे मगर बदल नहीं रहा था तो हमने एक विलेज एजुकेशन कमिटीज़ के ट्रेनिंग में ये फ़ैसला किया कि हम एक अलग तरह तरीका अपनाएं इस तरह के उन पे दबाव डालें हमारा हक हमारी ये या अधिकारियों से शिकायत करें उससे हट के तो हमने क्या किया उस सर्दियों में एक आंदोलन छेड़ी कि हम अपने शिक्षकों का सादर स्वागत करेंगे विद्यालय में फूलों के साथ चाय के साथ एक उसके साथ एक मार्च को और रेडियो पे हमने ये एडवरटाइजमेंट देना शुरू कर दिया कि आ इस साल से एक मार्च को शिक्षक स्वागत दिवस मनाएंगे हर गांव में और सब शिक्षक उन्हें मालूम है कि एक मार्च को स्वागत दिवस होने जा रहा है सारा गांव स्कूल में होगा और हम ना होंगे तो क्या होगा होंगे तो हमारा आदर होगा नहीं होंगे तो वही जो लोग हैं हुजूम संगठन बन जाएगा और जो नारे लगाने लग जाएंगे तो भाई आदर ही अच्छा रहेगा <laughs> एक, एक मार्च को जाते हैं और उस साल से लगभग उस साल से हर गांव में एक मार्च को सभी शिक्षक लगे <laughs> बहुत <उससे साथ। laughs> क्या बात है क्या बात है अभी सोनभ जी आप एक एक्टिविस्ट एक है आप एक अच्छे संयोजक है आप टीचर तो है ही Huh? क्योंकि वो टीचर से तो सब बात शुरू हो गई थी अभी मैं आपको एक छोटा सा खेल नहीं डेमोन्स्ट्रेशन समझो आपको पाँच मिनट के लिए अगले पांच मिनट के लिए हम सबकी क्लास लेनी है hmm? और उस क्लास का सब्जेक्ट है प्रॉपर यूज ऑफ सोलर एनर्जी ये रही आपकी क्लास ये रहे आप क्लास शुरू <laughs> 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 नमस्ते नमस्कार तो आप चाहते हैं सूर्य ऊर्जा उसमें भी सूर्य प्रकाश सोलर लाइटिंग पे एक हम क्लास लें तो मैं एक ऐसा क्लास लेना चाहूँगा जिसके बाद आप लोगों को सोलर लाइटिंग का एक पैकेज तोहफे में दूँ और आपके हर घर में शायद दो घंटे के लिए आप ऐसी सूर्य ऊर्जा का आ, क्या कहेंगे इन्वेंशन या डिवाइस लेके जाएंगे जिससे आप अपना काम कर पाएंगे सूर्य प्रकाश में सोलर लाइटिंग के साथ ठीक है ऐसा तोहफा आपको पसंद होगा मेरे ख्याल से बिल्कुल <laughs> तो जैसा आपने देखा हम इस कैंपस पे सोलर लाइटिंग जब करते हैं तो लोग ज़्यादा देखते हैं और सोचते भी हैं कि हम ये सोलर फोटो पैनल्स जो है इससे ऊर्जा लेते हैं फिर बैटरीज में इसको बंद करते हैं फिर रात को इसकी ऊर्जा और प्रकाश को हम देते हैं सही बात है मगर ये सबसे अच्छा डिवाइस नहीं है क्योंकि बैटरी बनाने में बहुत जहरीले रसायन का प्रयोग होता है पैनल्स में भी कोई कम रस जहरीले नहीं होते हैं तो ये ठीक है मगर सबसे अच्छा नहीं है अब मैं आपको सबसे अच्छा सोलर डिवाइस बताना सिखाना या क्या देना चाहूँगा और वो है हमारे कैंपस का कैंपस टाइम इस कैंपस पे अपने तरह के हर चीज़ हैं इस कैंपस पे एक कैंपस टाइम्स न्यूज़पेपर है एक देश की तरह उसी तरह कैंपस रेडियो भी होता है उसी तरह एक कैंपस टाइम है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से एक घंटा आगे है तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँगा और उपहार में देना चाहूँगा इसमें क्या है कि खासकर युवा पीढ़ी आजकल रात को बारह एक दो तक जागते हैं पढ़ते हैं या मस्ती करते हैं और फिर सुबह नौ बजे तक दस बजे तक सो जाते हैं और इनमें से बहुत बार तो पर्यावरण कार्यकर्ता भी होते हैं और हमारा ये मानना है कि आप अपने घड़ी को एक घंटा आगे कर दीजिए इसको आ, इसमें आपको कोई पच्चीस हज़ार नहीं लगाने पड़ेंगे एक लाख नहीं लगाना पड़ेगा आपके घर में हो सकता है तो या अपने मानसिकता की एक बात है तो हम क्या करते हैं जो आप कर सकते हैं यही मैं बताना चाहूँगा कि एक घंटा घड़ी को आगे कर दिया तो जब साढ़े दस बजे हम लोग सोने जाते हैं तो उस वक्त साढ़े नौ बजे होते हैं और जब हम साढ़े छः बजे उठते हैं तो उस वक्त साढ़े पाँच बजे होते हैं और सबसे अच्छा सोलर लाइटिंग फोटोवोल्टाइक से नहीं सबसे पवित्र और अच्छी प्रकाश सूर्य की सुबह साढ़े पाँच बजे जो पॉ पटते हुए होती है वो सोलर लाइटिंग सबसे अच्छी सोलर लाइटिंग है अगर हम उस समय सोते रहें नौ बजे तक खराटे मारते हुए धूप निकल रही है सोलर लाइटिंग कमरे में भरी पड़ी है और फिर सोलर लाइटिंग यूज़ करके बैटरी से 11 बजे तक 12 बजे तक काम करते रहें तो ये अगेंस्ट नेचर है ये हम एक तरफ समाधान पे मिट्टी पानी फेर रहे हैं और एक समस्या बनाकर उसे फिर सुलझा रहे हैं रात को ये कोई समझ समझ की बात नहीं तो हम चाहते हैं कि आप सब अपने घरों में सोलर लाइटिंग यूज कर सकते हैं रात को जल्दी सो के और सुबह जल्दी उठ के <laughs> <मैं। laughs> आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कई सारों पे कर रहा हूं मगर एक जो जिसमें मैं कुछ ज्यादा ही जिसको जिसके बारे में सोचते सोचते सुबह उठता हूँ और शाम को सोता हूँ हाँ, तो वो आजकल है एक कृत्रिम आर्टिफिशियल uh, ग्लेशियर्स बनाने का एक नए तरीके का आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स तो ये एक लद्दाख के आम गांव की तस्वीर है और ये नीचे की तरफ को uh, इसका झुकाव स्लोपिंग है नीचे की तरफ को आ रहा है उत्तराई में ये हर गांव की तस्वीर है ऐसा ही हर गांव है और नीचे जाके आपको नदी मिलेगी यहाँ पर सिंधु नदी और आपको मालूम है नदी तो सबसे नीचे का कोर्स वाटर टेक्स द ईजिएस्ट कोर्स हैं सबसे नीचे से बहती है और सब पानी उस नीचे की तरफ गुरुत्व के कारण ग्रेविटी के कारण आती है तो वो क्या है कि इन गाँव में आप देख रहे हैं ये पूरा रेगिस्तान है hmm. दो तिहाई रेगिस्तान है एक तिहाई शायद हरा भरा होगा ये हर गाँव की कहानी है यहाँ पर पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी पूरे साल में नहीं रहती केवल अप्रैल मई में, में जबकि बुआई होती है तब पानी मिले तो जून में तो बड़ा पानी बल्कि बाढ़ आ जाता है जब ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं तो ये दो महीने का कैसे हम निभाएं ये सवाल है जिसके कारण से ये सब रेगिस्तान पड़ा है और सितंबर अक्टूबर के बाद कोई खेती नहीं करता वहाँ एक खेती होती है अगस्त सितंबर तक उसके बाद कोई खेती कोई पानी की ज़रूरत नहीं है तो जो बर्फ़ फिर भी पिघलता है वो सीधा नालों से होके नदी में चला जाता है बिल्कुल ज़ाया 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 नवंबर, दिसंबर जनवरी ज़ाया और वो पानी कम नहीं होता है तो हम ये कह सोच रहे हैं कर रहे हैं इस पे काम पहले भी हुआ है ये तरीका सिर्फ अलग है हमारा कि इस नवंबर, दिसंबर जनवरी के पानी को अगर हम स्टोर करें संरक्षण करें तो अप्रैल मई में, में काम आ सकता है मगर अब गांव की खेती करने के तीन महीने का पानी स्टोर करें ऐसा तालाब आप कैसे बनाएंगे ये तो बहुत महंगा होगा किसी भी देश के लिए महंगा होगा जिसमें बिलियन लीटर्स का पानी हो तो और जगहों पे आपके लिए महंगा होगा मगर हमारे लिए बहुत कठिनाइयां हैं मगर एक सुविधा है कि हम पानी को ठोस रूप में भी जमा कर सकते हैं हमारे यहाँ पानी बर्फ बन जाता है तो बर्फ़ बने तो पानी नीचे नहीं ऊपर आकाश में उसे रख सकते हैं हम आकाश में स्टोर कर सकते हैं ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तो पानी को बर्फ़ के पहाड़ बनाकर रखें सर्दियों में और जब बाहर आने पर मई अप्रैल मई में, में तब उसका पिघलता पानी आपको मिले जो दिसंबर जनवरी का था <laughs> करते क्या हैं इसमें देखिए कि अगर आप ऊंचाई पे एक पाइप का मुख रख दें पाइप का और उस पाइप को नीचे लाएं तो जितनी ऊंचाई से लाए उतनी ही ऊंचाई तक वो पाइप में पानी चढ़ता 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 जाएगा 100 मीटर ऊंचाई से अगर आपने शुरू किया उसे ज़मीन के नीचे से पाइप अंडरग्राउंड लाए तो 100 मीटर ऊपर तक समझ लीजिए एक टेलीफोन टावर है मोबाइल टावर 100 मीटर का है नीचे गांव में उस पर अगर आप पाप पाइप लगाएंगे तो उसके ऊपर से पानी गिरने लगेगा बिना किसी पंप के बिजली के प्राकृतिक और जब सर्दियों में माइनस बीस तीस माइनस हवा के कारण विंड चिल फैक्टर से माइनस पचास तक हो सकता है तो पानी गिरते गिरते ही खुद बर्फ जम जाएगी और गिरता जाए गिरता जाए जमता जाए तो आप ही आप 100 मीटर तक का पहाड़ बन जाएगा तो ये सिद्धांत है मगर सिद्धांत तो बहुत लोग देते हैं इस सिद्धांत पे कोई इसे वो नहीं मानेगा तो इसलिए हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया कि यह सिद्धांत क्या काम करती है इससे पहले कि हम एक बड़ा बनाएं तो इस पिछले साल सर्दियों में हमने एक स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के रूप में अपने कैंपस में ये लिया जिसमें हमने ये छोटा सा पाइप लिया बिल्कुल छोटा क्योंकि ये प्रोटोटाइप है इसका भी जो पानी लेते हैं वो कोई पंद्रह मीटर ही ऊंचा है यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और देखते ही देखते ये पानी जमता गया जमता गया और ये एक बर्फ़ का छोटा सा पहाड़ बन गया <laughs> तो ये जो स्टूडेंट्स के साथ मैं जिन्हें गाइड करता था ये है जिन्होंने ये ग्लेशियर बनाया और इसका सिद्धांत ये है कि जब हम आकाश में पानी को स्टोर करें जमा करें कोन के रूप में तो सूरज के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि इसको पिघलाएँ अगर ये हॉरिजॉन्टली ज़मीन पर हो तो सूरज के हर मीटर स्क्वायर में लगभग एक किलोमीटर की गर्मी रहती है, एक, एक किलो वाट एक किलो वाट की गर्मी रहती है तो वो पिघला सकता है अगर फैला हो अगर छोटे से ही सरफेस में वॉल्यूम बहुत हो तब वो सूरज की गर्मी को सरफेस एरिया चाहिए और हमें वॉल्यूम चाहिए सूरज को एक तरह का क्या कहते हैं धोखा देने का तरीका है छोटे से सरफेस एरिया में बड़ा सा वॉल्यूम रखो वो एक कोन है मार्च अप्रैल में जो हॉरिजॉन्टल था सब सब पिघल गए जो हॉरिजॉन्टली आपने देखा जमीन पे सब पिघल गया जो ये कौन है ये जो स्तूपा है ये रहा और ये रहता ही गया और ये मई एक है जबकि तापमान अट्ठाईस उनतीस तीस डिग्री है मगर ये बर्फ एक मंजिल का मई में, में था जो कि हमारा डेडलाइन था मई जो था वो अगर उस तक जरा सा भी रहे तो हम इस परीक्षण को सफल मानते मगर जरा सा नहीं ये एक मंजिल का रहा मई में, में तो ये इस पर हम काम करने जा रहे क्या बात है क्या बात है यानी आपका प्रयोग ये तो एक कविता है <laughs> इतनी सुंदर है विज्ञान भी कविता हो सकता है अंत में आप हम सब लोगों के लिए बियॉन्ड सेल्फ खुदगर्ज बनना और खुद के पार होना इसके बारे में क्या कहेंगे मैं ये कहूँगा कि अनेक प्राणियों में शायद मनुष्य को ही ये फैकल्टी ये सुविधा मानसिक सुविधा या संभावना आ, मिली है कि वो अपने से ज़्यादा सोच सकता है और ऐसी सुविधा ऐसी संभावना पाकर भी सिर्फ अपने आप में ही स्व केंद्रित रहे तो इससे बड़ी गलती दुख की बात, बात। ना कोई नहीं होगी और वैसे भी वैसे भी मेरा स्वार्थ से कुछ अलग आ, मतलब मतलब से देखता हूं मैं सबसे सच्चा स्वार्थी वो है मेरे ख्याल से जो औरों के सोचता हो क्योंकि औरों का जब वो सोचता है तो और भी उसकी सोचने लगते हैं तो उसका स्वार्थ तो सबसे अच्छा उसी में पूरा होता है जब वो औरों के लिए कुछ करता है तो सच्चे स्वार्थी बनिए सच्चे स्वार्थी बने बहुत अच्छी बात अब लास्ट में लड़ाखी का एक गाना <laughs> हाँ क्योंकि हम मन से और सुर से लड़ाक में जाना चाहते हैं संची गे नो तनो मोकुन आचुएंग स्ताम सीक्सुन संची गे नो तनो मोकुन आचुएंग स्ताम सीक्सुन ए बी सी लो का खा मा फंग ए बी सी लो का खा मा फंग का खा फों गे नो तनु मुकु आचुएंगिंग स्टाम चीक सुं अर्थ है सुनिए मेरे भाइयों और बहनों बड़े भाई की एक गुजारिश ए, ए, ए बी सी जरूर सीखिए मगर क ख न छोड़िएगा अगर आप क ख को छोड़ देंगे तो अपनी संस्कार अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो उसी तरह वो बोलते हैं कोटपत लुन गौन रंग लुक्स मटपत रंग लुक्स माफा रंग लोकसफों रंग सीन है ओ रंग लुक्स लोको रंग ससोसी है संची गे नोतन मुक आता कोट पतलून जरूर पहनी है मगर अपनी वेशभूषा ना भूल जाइए अगर आप वो भूल जाए तो आप बिना संस्कृति बिना एक उसके हो जाएंगे संस्कार के हो जाएंगे क्या बात क्या बात आप लेह से लेकर यहाँ आए और पूरा एक सिर्फ लड़ाक का ही जीवन नहीं हमने यहाँ पे एक सच्चा भारतीय भी देखा और एक सच्चा मानव भी देखा जो मानवता की सेवा में जुड़ा हुआ है और एक बार जो आपका साइंस है आपका विज्ञान है जिस जो आपको मदद कर रहा है खुद से बाहर जाने के लिए विज्ञान और एजुकेशन ये दोनों को आपने मिलाया है और एक बाजू साइंस एक बाजू एजुकेशन सबको लेकर आप पूरे समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं आपके भविष्य के काम के लिए हमारी बहुत बहुत बहुत, बहुत शुभेच्छाएं आपके साथ रहेंगी और आप आज जहां आए और जिस तरीके से हमारे जीवन को आज आपने एक तरीके से बहुत रिच बनाया है

उसके बारे में जानने का अवसर मिला और आप और आपके साथियों ने जो युवा पीढ़ी पर एक अच्छा असर डालने की ये शुरुआत की है उससे मैं बहुत मुतासर हुआ और इस सम्मान में मैं आपको और सारे वेद परिवार को सम्मान